नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के धारा 8 और धारा 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है तो उस कंडीशन में हमारे एनडीपीएस एक्ट में क्या प्रावधान बताए गए हैं। प्रावधान मीन्स कि किस कंडीशन में धारा 8 और धारा 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरा ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 8 और धारा 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो उस कंडीशन में सजा का क्या प्रावधान है, कितनी सजा उसे मिल सकती है। और इसके अलावा साथियों, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 8 और धारा 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है तो उस कंडीशन में आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार कब प्राप्त होगा। डिफॉल्ट बेल का मतलब है साथियों कि अगर पुलिस चालान पेश नहीं करती है कुछ टाइम लिमिट के अंदर जो कि हमारे कानून में बताया गया है तो आरोपी 167 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत केवल इस आधार पर बेल ले सकता है कि पुलिस ने टाइम से चार्जशीट या फिर चालान पेश नहीं किया। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो साथियों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे एनडीपीएस एक्ट में धारा 8 के अंतर्गत मुकदमा किस कंडीशन में दर्ज किया जाता है। साथियों, धारा 8 में जो बताया गया है कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कौन सी जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ हमारे एनडीपीएस एक्ट में जिन्हें ऐसा बताया गया है कि आप बिना परमिशन के उन्हें नहीं कर सकते हैं, उसका पहला सेक्शन है धारा 1A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर उस कंडीशन में अगर वो कोका के पौधे की खेती या फिर कोका के पौधे की किसी भी भाग का संग्रह करता है। तो 8B या फिर आप कह सकते हैं 8B के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर वो अफीम, पोस्ता या फिर किसी कैनबिस के पौधे की खेती करते हुए पाया जाता है। तो यहाँ पे साथियों, आप कैनबिस से समझ सकते हैं कि अगर गांजे का जो पौधा होता है उसे आप कैनबिस के रूप में समझ सकते हैं, वो उसी का पार्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गांजे के पौधे की खेती करते हुए पाया जाएगा तो वहाँ पर धारा 8B के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा साथियों, 8C है। 8C में मान लीजिए कि आप खेती करते हुए नहीं पाएंगे लेकिन आपके अधिपत्य में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो कि हमारे एनडीपीएस एक्ट में जिसको प्रतिषेध किया गया है, जिसको मना किया गया है, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे अफीम हो, चाहे हेरोइन हो, चाहे पॉपी स्ट्रा हो या फिर कोई भी पदार्थ हो जो कि आपके अधिपत्य में है, चाहे आप उसको किसी को बेच रहे हों, किसी से खरीद रहे हों, कहीं भेज रहे हों, कहीं से मंगा रहे हों, या फिर आपने उसको खुद अपने पास स्टोर किया हो या फिर आप उसका उत्पादन कर रहे हैं या फिर आप उसका निर्माण कर रहे हैं, आप अगर कुछ भी करते हुए पाए गए हैं तो आपके खिलाफ धारा 8C के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब साथियों, आपने अक्सर देखा होगा अगर आपके हाथ में कोई भी FIR है और अगर आपने कहीं भी किसी भी व्यक्ति को गांजा या चरस के केस में अगर किसी को गिरफ्तार होते हुए देखा है, अगर आपने FIR पढ़ी है तो निश्चित रूप से वहाँ पे या तो 8B और 8C के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ में धारा 20 भी उसमें रहती है। अब हम साथियों समझते हैं कि धारा 20 में क्या प्रावधान बताया गया है हमारे NDPS एक्ट में। आपको इससे पहले मैं बता दूं कि धारा 20 उस कंडीशन में लागू होती है जहां किसी भी व्यक्ति के आधिपत्य से गांजा या चरस जब्त होती है या फिर वो व्यक्ति गांजा की खेती करते हुए पाया जाता है, उस कंडीशन में धारा 20 का अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब साथियों, आपको अभी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इसमें मात्रा बताई गई है कि किस कंडीशन में अल्प मात्रा में किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अल्प मात्रा से ज़्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी जो है, जो इसकी वाणिज्यिक मात्रा है उसके बीच में अगर है तो किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और अगर वाणिज्यिक मात्रा से ज़्यादा है तो किस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो हम देखते हैं साथियों, धारा 20 को समझते हैं। धारा मैं आप स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे वो हमारे जो कानून में लिखा है आप वो देख रहे होंगे, लेकिन इसको मैं आपको सामान्य भाषा में बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 20A के अंदर का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ पे है धारा 20A है, इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि धारा 20 या फिर धारा 20A1 अगर ये है तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति गांजा की खेती करते हुए पकड़ाया है। आप साथियों, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति गांजे की खेती करते हुए पकड़ाएगा वहाँ पे उस कंडीशन में उसको 10 वर्ष तक के कारावास
उसको हो सकता है और साथ में उसको 1,00,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। और साथियों अगर इस कंडीशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 20A1 या फिर धारा 20(1) के अंदर का मामला दर्ज किया गया है तो उस व्यक्ति को 60 दिनों के बाद डिफॉल्ट बेल लेने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 8B या फिर 8C साथ में 20A1 के अंदर का मामला दर्ज किया गया है तो वहाँ पे पुलिस के पास केवल 60 दिनों का टाइम रहता है चार्जशीट या फिर जिसको आप चालान कहते हैं वो जमा करने के लिए कोर्ट में। अगर कोर्ट में 60 दिन के अंदर चालान पेश नहीं किया गया है तो आप 61वें दिन बेल लगा सकते हैं और आपको सीआरपीसी के सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बेल दी जाएगी, ये आरोपी का अधिकार है। अब साथियों अगर आप मान लीजिए गांजे की खेती अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरा जो जुर्म इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो कि कैनबिस का उत्पादन करता है, कैनबिस आप समझ सकते हैं मैं गांजा और रस की बात कर रहा हूँ, उसका उत्पादन करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको अपने कब्जे में रखता है, उसको बेच रहा है, उसको खरीद रहा है, उसको कहीं से उसको आयात कर रहा है, कहीं से उसको निर्यात कर रहा है या फिर उसके आधिपत्य में है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो 20B के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 20B सबसेक्शन 1, 2, 3 होगा या फिर कहीं पे ऐसा होगा आपने देखा होगा कि 20 वहाँ पे 2 रहेगा, 20(2) या फिर ABC के अंतर्गत रहेगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के आधिपत्य में उसके कब्जे से अगर 1 किलो से कम, अगर गांजा है तो 1 किलो से कम और चरस है तो 100 ग्राम से कम अगर जब्त किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा वो साथियों 20B1 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। और अगर वहीं जो उसकी मात्रा है अगर मान लीजिए अगर अल्प मात्रा से कम है तो उस कंडीशन में जो सजा का प्रावधान बताया गया है वो 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर मान लीजिए कि जो गांजे की मात्रा है वो 1 किलो से लेकर 20 किलो के बीच है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर 8B2 के अंदर का मामला दर्ज किया जाएगा और उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जो जुर्माना बताया गया है उसमें वो 1,00,000 तक का हो सकता है। इसके अलावा साथियों अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से जो गांजा जो जब्त हुआ है अगर उसकी जो मात्रा है वो 20 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा वो दर्ज किया जाएगा धारा 20B(c) के अंदर दर्ज किया जाएगा। इस कंडीशन में जो है तो उसको जो सजा का जो प्रावधान बताया गया है वो 10 साल से 20 साल के बीच रहेगी और जो जुर्माना है वो 1,00,000 से कम नहीं होगा जो कि 2 साल तक भी हो सकेगा। इसी प्रकार साथियों अगर चरस है तो अगर चरस आपका 100 ग्राम से कम है तो जो मुकदमा दर्ज होगा वो 20B1 के अंदर होगा। अगर चरस आपका जो 100 ग्राम से 1 किलो के बीच है तो उस कंडीशन में धारा 20B2 के अंदर का मुकदमा दर्ज होगा। वहीं अगर चरस की मात्रा 1 किलोग्राम से ज़्यादा है तो धारा 20B2C के अंदर का दर्ज किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये धाराओं का जो इसमें जो एक्सप्लेन किया गया हमारे कानून वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो डिफॉल्ट बेल की जो हमने चर्चा किया उस बारे में आरोपी के पास क्या अधिकार है। साथियों यहाँ पे जहाँ की सजा 10 साल तक बताई गई है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, चाहे वो धारा 20A हो या फिर धारा 20B1 और 2 हो, मीन्स कि उस कंडीशन में उस पुलिस के पास जो 60 दिनों तक का टाइम रहता है चालान पेश करने के लिए, लेकिन जहाँ सजा 10 साल से ज़्यादा है वहाँ पुलिस के पास 90 दिनों तक का टाइम रहता है चालान पेश करने के लिए। तो अगर आपका जो मामला है वो 60 दिनों के अंदर आ रहा है कि 60 दिनों के अंदर पुलिस को चालान पेश करना होगा तो आप उस कंडीशन में डिफॉल्ट बेल 61वें दिन लगा सकते हैं कोर्ट में कि आरोपी को बेल दी जाए। तो साथियों ये था 8/20 के बारे में जो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी इसके जो सेक्शन है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उससे जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हो चाहे इस धारा से हो या फिर किसी अन्य धारा से हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।